स्नेह और प्यार मेरा बना रहे। और बेटा है, शुरू से ही लोगों के साथ रहे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, अपना समझते हैं लोग, इसलिए हमेशा बुलाते हैं, हम आते भी हैं, हम लोग मिलजुल के एक परिवार है। आगे भी इस परिवार को हम बरकरार रखेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो भी जरूरतें हैं महत्वपूर्ण तरीके से उसको हम संपन्न करें, पूरा करें। और तो लोगों की इच्छाओं को, जो भी रोड नाला किसी भी प्रकार की समस्या हो, लोग हमसे बताएं, हम उसको नगर पालिका के द्वारा करवाएंगे। काफी उम्मीद कर रही है, कम हुआ बोला तो इसे जनता उम्मीद कर रही है, आगे भी कम हुआ बोलेंगे। लोग जुड़ नहीं रहे, लोग जुड़ चुके हैं, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहर से तो हम हई है, काम चल ही रहा है, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ही भ्रमण कर रहे हैं, लोग वहाँ बुला रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, जितना हो सके करते हैं। आगे अगर ऊपर वाले की दुआ से कुछ अच्छा होता है तो सारी समस्याओं का निदान हो, प्रक्रिया चालू है शहर से लेकर देहात तक। शहर जब नगर पालिका अगर गोरखपुर सिटी की तरह बन जाता है तो देहात को भी गोरखपुर सिटी की तरह बनाएंगे। अब पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट को बोले थे हम गोरखपुर बनाने के लिए, फिर नगर पालिका को नहीं मौका मिला है, पहले यहाँ दिखा देते हैं, उसके बाद आगे मौका मिलेगा तो कोई ना कोई अगला चुनाव है 24 में, सांसद बन के जो आएंगे उनके साथ हम रहेंगे तो उनके द्वारा ना बनेगा कहीं। ये भी सीएमपी गुप्ता चुनाव जीत के आई है, उन्हीं के द्वारा ना बोलते हैं कि नगर परिषद को हम गोरखपुर सिटी की तरह बनाएंगे। उसी तरह जो लोकसभा जीत के आएंगे उनके साथ अगर हम रहेंगे, वो जो कैंडिडेट जीत के आएंगे तो जरूर जाहिर सी बात है कि हम शहर से लेकर देहात तक गोरखपुर सिटी की तरह पूरे सिवान। ये गलत शब्द किंग मेकर, अब एज ए सपोर्टर है, सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना हमको बेखूबी आता है, लोग हमारी बातों को समझते हैं और हम कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जिससे लोगों का विश्वास जीत लेते हैं और विश्वास पे ही लोग वोट करते हैं। तो अगर सांसद जो चुनाव लड़ेंगे जिनके साथ हम रहेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों का विश्वास जब हम पे है तो हम जिनके साथ रहेंगे हम डायरेक्ट रूप से जनता से जुड़े हैं। नेता नहीं बनना चाहते क्योंकि नेता बन जाएंगे तो पटना दिल्ली झूठ बोलना पड़ेगा ना। अब जैसे अभी कहीं और थे, लेट से आए, लेकिन आए ना, नेता रहते तो पटना रहते तो कहते कि भाई पटना वाले, तो वो हमसे नहीं होगा। जनता से हम डायरेक्ट हम जुड़े हैं, समाज में हम डायरेक्ट जनता से जुड़े हैं। जो नेता होते हैं वो थोड़ा बहुत, मान लीजिए अभी कोई पटना चला जाए और सिवान में कोई प्रोग्राम हो तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम तो कर लेंगे। तो इसीलिए नेता बनने से अच्छा है कि समाज से, जनता के लिए तो हमेशा स्नेह और प्यार और आशीर्वाद हम पे बना रहा है। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि जो प्यार और स्नेह बना है ये राजनीति से हटके हम पे हमेशा बना रहे। और राजनीति नहीं, हमें अपना बेटा मानिए, भाई मानिए, हम आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलेंगे, हर तरह का प्रयासरत रहेंगे कि आपका हर वो काम हो जो विभागीय नगर पालिका के अगर क्षेत्र में आता है तो नगर पालिका में हो, अगर देहात में भी कोई काम हो जहाँ नगर पालिका क्षेत्र से बाहर हो और वहाँ भी हम जाते हैं तो अपने स्तर से हम चाहेंगे कि उसको पूरा करें। हमको तो गोरियाकुट की जनता भी चाहती है कि हमारे यहाँ आए, जाते भी है, हसनपुरा जाते हैं, रघुनाथपुर जाते हैं, बड़ौरिया जाते हैं, दरौली जाते हैं, कोई सा क्षेत्र गुठनी जाते हैं, नौतन जाते, कोई सा क्षेत्र छोड़े थोड़े हम, हर तरह तो भ्रमण कर ही रहे। बुलडोजर बाबा का मतलब समझ नहीं पाए। अब देखिए देखिए, जैसे हम आदित्यनाथ जोगी की तरह काम करने के लिए या विकास करने के लिए बोले थे, बुलडोजर तो चलाने का औकात मेरे में थोड़ी है, वो तो सरकार के हाथ में ना, हम लोग सरकार थोड़े हैं, काम समाज सेवी, आप ही तो कह रहे हैं, समाज सेवी हम लिखते नहीं अपने नाम के साथ, लोग कहते हैं। अब लोग का प्रेम और स्नेह तो बहुत कुछ बोलता है, लोग हमको कौन एक रॉकी भाई भी बोलते हैं, बुलडोजर बाबा बोलने लगे हैं, कोई यूथ आइकन बोलता है तो कोई समाज सेवी बोलता है, सबका अपना अपना धारणा है, जो जिस रूप में मुझे लेगा हम उसी रूप में उसके सामने प्रतीत होंगे।